तो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस बार हम लोग आपको लेके आए हैं जन्मभूमि पथ पे, जो कि भगवान श्री राम के जन्म स्थली जहाँ पे भव्य श्री राम मंदिर बन रहा है वहाँ पे लेके चलने वाले। ये रोड है जो कि सुचारू रूप से कुछ समय पहले ये चालू हो चुका था और फिलहाल में इसके जो डिजाइन है उन डिजाइनों में थोड़ा परिवर्तित किया गया और इसको और भव्य बनाया जा रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं इस वीडियो में क्या क्या अपग्रेडेशन हो रही है और क्या क्या नई चीजें यहाँ पे अपग्रेड की जा रही है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। यहाँ पर जो है कि गड्ढों को खोदा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे पहले जो था ये यहाँ डिज़ाइन बनाए गए थे और अब इसमें परिवर्तित करके इन डिज़ाइनों को हटाकर और जो है कि अब यहाँ पे छायादार एक गुंबद टाइप में, चबूतरा टाइप में बनाया जाएगा ताकि लोग यहाँ पे यात्री आएं और जो है कि बारिश और धूप में आराम कर सकें। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये हेल्प डेस्क वाला काउंटर है जहाँ पे आप जैसे ही रामपथ पे, जन्मभूमि पथ पे रामपथ से आएंगे तो ये हेल्प डेस्क काउंटर पड़ेगा और यहाँ पे तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जिनका आप आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे बैठने के लिए भी अच्छी सुविधा दी गई है, फैन और कूलर लगाया गया है, पानी की व्यवस्था है, तमाम ऐसी बुनियादी सुविधाएँ हैं। यहाँ पे व्हीलचेयर भी मिलता है जो कि आप ले सकते हैं और यदि किसी आदमी का अगर आप हेल्प लेते हैं तो उसका जो है कि पैसा आपको खुद पे करना पड़ता है। और यहाँ पे अलाउंसिंग भी होती रहती है, फ्री लॉकर भी है, निशुल्क लॉकर, और यहाँ पे आरती के लिए भी पास वगैरह मिलता है, आरती के लिए टिकट वगैरह मिलता है, तो वो भी जो है कि आप हेल्प यहाँ पर ले सकते हैं। और ये सुग्रीव किला है जो कि यहीं पे राम जन्मभूमि के पथ पे ही ये किला पड़ता है और इसका दरवाज़ा अब नए सिरे से बनाया जा रहा है। और ये रोड जो है कि दोस्तों, इसके बगल में जो रोड है ये भी VIP एंट्री के लिए रोड बनाया गया है, तो ये सुचारू रूप से चालू है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है कि कंस्ट्रक्शन के लिए रोड चालू है और राम मंदिर कंस्ट्रक्शन की जो गाड़ियां हैं वो यहीं से होकर गुजरती हैं। दोस्तों, डिज़ाइन में परिवर्तन करने का ये सब सिलसिला जो था वो बाद में शुरू हुआ क्योंकि जन्मभूमि पथ का उद्घाटन तो पहले ही हो चुका था और उस समय जो है कि आप लोगों को पता है कि डिज़ाइनें बन रही थी और डिज़ाइन कंप्लीट भी हो चुकी थी। उसके बाद से फिर जो है कि इसका प्लान जो है कि परिवर्तन वाला आया क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे एक था कि जब बहुत तेज़ यहाँ धूप होती थी तो इतनी तेज़ गर्मी होती थी कि जो श्रद्धालु होते थे वो जगह जगह पेड़ के किनारे जगह जगह बैठ जाते थे, थक जाते थे। तो इस वजह से इस प्रोग्राम में चेंज लाया गया। देख सकते हैं ये सब जगह अभी कंस्ट्रक्शन का काम जो है बाकी था वो चल रहा है। और दोस्तों, सबसे खास एक बात नोट करने वाली है, पिछली बार हम लोग आए थे तो आप लोगों को याद होगी कि यहाँ पे जो ये पेड़ था इस पेड़ को हटाने की बात हो रही थी, काटने की बात हो रही थी, लेकिन जो है कि राम जन्मभूमि कॉरिडोर में इस पेड़ को शामिल कर लिया गया है और इस पेड़ के अगल बगल बैठने के लिए चबूतरा बना दिया गया है ताकि श्रद्धालु आए बैठे। और इस पेड़ का बहुत ही अच्छा किस्मत है कि इसे बचा दिया गया क्योंकि तमाम पेड़ और तमाम घरों को ऐसे पुराने थे जिन्हें तोड़ा गया और इन्हें बचा दिया गया, ये बहुत अच्छी बात है। ये देख रहे हैं अभी इधर खोदना बाकी है, जैसे ये पूरा खोदा जा रहा है खोद खोद के और मिट्टी को हटा के मलबों को हटा के उसके बाद जो है कि इसमें काम होगा, नए सिरे से इसमें काम होगा
और अभी जो है कि बहुत सारे गड्ढों को खोद दिया गया है और बहुत सारे ऐसे बाकी हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे होंगे। और पहले इसको खुदैया करके और उसके बाद इसके अंदर जो है सीमेंट और ये सब चीज़ें डाली जा रही हैं। ये भी भूकंप प्रूफ बनाया जा रहा है क्योंकि ये किसी भी आपातकालीन स्थिति में कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो इस वजह से। और कॉरिडोर के अगल बगल की जो मंदिरें हैं वहाँ पे दीवारें बनाई जा रही हैं कि कॉरिडोर में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, कोई गाड़ी वगैरह आने जाने की प्रॉब्लम ना हो। सुप्रीम किला के बाद बगल में ठीक सरकारी पार्किंग भी है जहाँ पे गाड़ियों को पार्क करने की सुविधा है। और आपको पता होगा दोस्तों, हम लोग रामपथ का जो अपडेट देते हैं तो उसमें रामपथ अब आज से बनना भी चालू हो चुका है, तो उसका हम लोग जल्दी अपडेट लाने वाले हैं। रामपथ एकदम निर्माण होना चालू हो चुका है, नए घाट से लेकर साहबगंज तक रामपथ को बहुत तेज़ी से बनाया जा रहा है। तो ये लग रहा है कि इस महीने के अंत तक काफ़ी हद तक रामपथ जो है कि कम्प्लीट हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद से जो अयोध्या की पुरानी दुकान और मकान है इसका कंस्ट्रक्शन जो है कि सही किया जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, ये मावाराम मंदिर है सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये वो लॉकर सुविधा और टॉयलेट बाथरूम है। आप लोगों को पता होगा हम लोग पिछली बार अंदर चल के इसका वीडियो बना के लाए थे, दिखाए थे, परंतु इस बार मना कर दिया गया है। और यहाँ से दोस्तों अब निकलने की सुविधा बना दी गई है, पहले उधर से था, अब बीच में कोई कॉरिडोर बन रहा है। अब राम मंदिर का पूरा जो रूट था पहले दर्शन करने का और बाहर आने का, उनमें सब में परिवर्तन किया गया है। क्योंकि आपको पता होगा पहले हम लोग जो है कि अमावा राम मंदिर के ठीक बगल से जो गेट राम जन्मभूमि के अंदर जाता था वहाँ से जाते थे, अब जो है कि इस भक्ति पथ जो राम जन्मभूमि पथ है अब हम लोग यहाँ से जाते हैं। और ये जो है कि दोस्तों यहाँ पे निःशुल्क लॉकर, बैठने की सुविधा और जो है कि टॉयलेट बाथरूम, और यहाँ पे पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था है। पीने के लिए पानी की व्यवस्था तो राम जन्मभूमि के अंदर भी है और बाहर के हेल्प डेस्क काउंटर के पास में भी है। और यहाँ पे जैसे आप निकलेंगे वैसे फिर मिलेगी आपको पीने के लिए पानी की व्यवस्था। तो इन सब बुनियादी चीज़ों का बहुत ख़ास ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे काम हो रहा है, काफ़ी हद तक जो है कि काम कंप्लीट हो चुका था, परंतु फिर जो है कि जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनका सोल्यूशन किया गया जा रहा है। यहाँ पे जो है कि खोद के और यहाँ हटाया जा रहा है, यहाँ पे किसी वायरिंग के काम में प्रॉब्लम आया है कनेक्शन में। और ये स्ट्रीट लाइट दोस्तों जो आपको दिखाई दे रही होंगी वो इतनी सुंदर हैं, इतनी अद्भुत हैं, विकास प्राधिकरण का लोगो लगा हुआ है यहाँ पे जो कि बहुत ही अच्छी लगती हैं। और आप आराम से यहाँ पे आके और राम जन्मभूमि पथ से होते हुए फ्री लॉकर का आनंद लेते हुए और आप आराम से वहाँ जा सकते हैं राम जन्मभूमि, और वहाँ दर्शन करके लगभग दोस्तों दर्शन करने की पूरी जो प्रक्रिया है वो 20 से 30 मिनट की है। आप आधे घंटे में आराम से दर्शन करके आके और यहाँ पे आ सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अयोध्या से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आप देख सकें। तो आप कमेंट करना भी ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, आपके एक कमेंट से हम लोग को वैल्यू मिलती है, तो प्लीज़ आप कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, आप स्वस्थ रहिएगा, जय अयोध्या धाम।